नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड एनएच टीवी में। और दोस्तों, आज इस स्टूडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। एक्चुअली दोस्तों, मेरे रिलेटिव्स है, उन्हें फ्लैट की रिक्वायरमेंट थी, तो वह रेंट पर फ्लैट देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं फ्लैट देखने के लिए आ ही रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी में से मुझे एक यह जो बिज़नेस पता चला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूँ। दोस्तों, हो सकता है कि यह पुराना बिज़नेस है और काफ़ी यह हमेशा से यह बिज़नेस, जैसा कि आपको पता होगा इस बिज़नेस के बारे में, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते, हो सकता है उसके काम में यह बिज़नेस आइडिया आ जाए। क्योंकि दोस्तों, यह जो है एक सिंपल बिज़नेस है जिसे आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप पार्ट टाइम में जो आपका टाइम निकलता है उस टाइम में भी आप करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो देखिए, मैं वो फ्लैट देखने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है वही फ्लैट है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये 2 BHK फ्लैट है जो ओनर ने रेंट पर देने के लिए निकाला है। तो दोस्तों, ये जो फ्लैट है मैं रिलेटिव्स के लिए रेंट पर देने वाला हूँ, तो वो भी रिव्यूज देखेंगे और वो पसंद आएगा तो इसे डिसाइड करेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस आइडिया के बारे में। तो यह बिजनेस आइडिया है रेंट सर्विस का, जो कि दोस्तों ओनर और टेनेंट को आपको मिला देना है। और रेंट सर्विस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक मीडिएटर का बिजनेस होता है, जिसे आप एज अ ब्रोकर भी कह सकते हैं। तो या इस बिजनेस में आपको दोस्तों यह करना होगा कि जो ओनर अपने फ्लैट किराए पर देना चाहते हैं, उन्हें आपको टेनेंट से मिला देना होता है। तो यही एक सिंपल सा एक बिजनेस का पॉइंट है और इसी पॉइंट पर यह बिजनेस चलता है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में आपको क्या करना होगा कि जो भी लोग रेंट पर फ्लैट देखना चाहते हैं, उन्हें आपको फ्लैट मिलाना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप चाहे तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको वह फ्लैट पता करने होंगे जो ओनर किराए पर देना चाहते हैं, और उसके बारे में ओनर बता देगा कहाँ पर है, और उनसे चाबी लेनी होगी। और इस फ्लैट के लिए आपको टेनेंट को देखना है। टेनेंट दोस्तों बहुत से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फ्लैट रेंट पर देखने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी मार्केट में। जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद आपको वह चाबी लेनी है और उनको फ्लैट दिखा देना है, फ्लैट उनको समझा देना है और जितना रेंट है उन्हें बता देना है। और जब आप इस तरह से यह काम करते हो, तो देखिए इसमें आपकी इनकम किस तरह से होती है। तो आपको ओनर से जो भी 1 महीने का चार्ज है वह आप ओनर से ले सकते हैं। उन्हें आपको बताना होगा कि जो टेनेंट आपको दूंगा तो आपसे मैं 1 महीने का चार्ज लूंगा, जो जितना आपने रेंट रखा है उतना। सपोज मान लीजिए कि फ्लैट का किराया 6,000 रुपये है, तो आप ओनर से 6,000 रुपये दे सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आपको टेनेंट को भी बताना है और टेनेंट से भी आप 1 महीने का चार्ज दे सकते हैं। तो टेनेंट से आपको 1 महीने का 6,000 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर दूसरे तरीके की बात करूँ, तो देखिए आप अपना एक अगर ऑफिस बनाते हैं, वहाँ पर एक ऑफिस बनाते हैं और वहाँ पर यह जो ओनर आते हैं आपके पास में प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि उनको उस प्रॉपर्टी की कितना मंथली रेंट चाहिए। तो आप वहाँ पर आपके हिसाब से सपोज कि 6,000 है, तो वहाँ पर आप 1,000 रुपये प्लस करके 7,000 में वह प्रॉपर्टी सामने टेनेंट को दे सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को करके, जैसे कि एक फ्लैट है, अगर आप जितने ज़्यादा फ्लैट टेनेंट को दोगे तो उतनी आपकी अर्निंग बढ़ते रहेगी और एक रेगुलर इनकम आपकी शुरू रहेगी। तो यह दूसरा तरीका, इस तरह से भी आप यह बिजनेस कर सकते हैं। और ओनर से भी आप चार्ज कर, और टेनेंट से भी आप शुरुआत में रेंट एग्रीमेंट कर देने का भी चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें और तीसरा आप बिजनेस एक प्लस कर सकते हैं रेंट एग्रीमेंट का। कभी कभी क्या होता है कि कोई टेनेंट और ओनर को लीगल एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो अगर आपको लीगल एग्रीमेंट आता है, तो अभी अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन ही लीगल एग्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आपका रेंट एग्रीमेंट जिन्हें टेनेंट और ओनर को रेंट एग्रीमेंट लीगल
रियल वाला चाहिए तो आप बना दे सकते हैं, वहां पर आप रेंट एग्रीमेंट के चार्जेस भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप एक रेंट सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको आप ऑफलाइन शुरुआत में ऑफलाइन करते हैं और बाद में इसको इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। अगर आप इस बिजनेस से जुड़ी हुई वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वेबसाइट बनाने का काम करता हूँ तो आपको बना भी दे सकता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि इस बिजनेस को जब आप शुरू करोगे तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है। देखिए आप अगर एक आपके पास में फ्लैट है और ओनर आपके बढ़ते हैं तो अगर आप इन फ्लैट को टेनेंट को देते हैं तो चलिए मान लीजिए कि आप रोज एक फ्लैट नहीं भी देते हैं बट तीन चार दिन में भी एक अगर फ्लैट किराए पर देते हैं और एक डील कर लेते हैं तो दोस्तों आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर तीन चार दिन में आप एक फ्लैट देने में कामयाब होते हैं तो लगभग अगर मान लीजिए कि एक एक फ्लैट का किराया 6,000 रुपये है तो ओनर से आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और टेनेंट से आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से आपकी 12,000 रुपये की कमाई होगी। तो इस हिसाब से आप मंथली कैलकुलेट करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में आपकी इनकम कितनी हो सकती है। दोस्तों इस बिजनेस में होता क्या है कि जब आप फ्लैट किसी को रेंट पर देना चाहते हैं तो फ्लैट तो अलग अलग सिटी के अलग अलग जैसे कि सिंगल BHK आता है, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स होता है, हाउस होता है, तो इन सबके जो रेट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, सिटी के हिसाब से भी होते हैं, एरिया के हिसाब से भी होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 4,000 या फिर 6,000 या फिर 8,000 भी फ्लैट रेंट हो, ज़्यादा सिटी और एरिया के हिसाब से ज़्यादा भी फ्लैट के रेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 15,000, 18,000, 20,000, कहीं तो दोस्तों 22,000, 25,000 तक का भी फ्लैट रेंट होता है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस में आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। वीडियो रेंट सर्विस बिजनेस के बारे में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज में अक्सर लेके आते रहता हूँ। हालांकि दोस्तों बिजनेस एड्रेस के साथ साथ मैं घर में जो यूज होती है चीजें उस तरह के प्रोडक्ट के रिव्यू भी अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। Till I get up, time is barely out.